हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह फ्रॉम एसकेएल क्लासरूम एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास में हिंदी सब्जेक्ट का कितना सिलेबस डिलीट कर दिया गया है लॉकडाउन की वजह से। आपको पता ही है कि सीबीएसई की तरह पर ही अदर जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी अपना अपना सिलेबस बच्चों का 30% रिड्यूस कर रहे हैं। हरियाणा बोर्ड ने भी अपने बच्चों का 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। तो आज हम बात करें हरियाणा बोर्ड के अंदर प्लस टू क्लास में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर कितना सिलेबस किस प्रकार से रिड्यूस किया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, उनको आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास में मेनली देर आर टू बुक्स, दो ही बुक्स हैं हिंदी के अंदर, आरओ भाग दो और वितान भाग दो। यहां आपको एक विशेष चीज बता दूं कि जो भी चेंज हुआ है, बोर्ड ने जो भी कोई बदलाव किया है, वो आरओ भाग दो जो डिटेल्ड स्टडी है आपकी उसी में किया है। वितान को उन्होंने नहीं छेड़ा है, इनके जितने चैप्टर्स थे वो वैसे ही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आरओ भाग दो के अंदर आइए हम देखते हैं। यहां आप, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बुक लेकर के बैठे साथ और उसका कंटेंट्स निकाल लें। तो आइए, क्या है, काव्य खंड है इसके अंदर, इसमें काव्य और गद्य दोनों ही खंड है। तो काव्य खंड के अंदर आपका पहला जो पॉइंट है, जो काव्य है, काव्य में हरिवंश राय बच्चन, ये कवि हैं आपके पहले, हरिवंश राय बच्चन चैप्टर 1 और पेज नंबर 3 के ऊपर ये हैं। इनकी दो पोइम्स हैं आपके पास, उस दो पोइम्स में से केवल पहली पोइम आत्म परिचय, इसको डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, आपके सिलेबस में नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की पहली पोइम हटा दी गई है, दूसरी पोइम आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, जो सेकंड चैप्टर आपका आलोक धनवा, इनकी पोइम है पतंग, सेकंड चैप्टर पेज नंबर 9 पर पूरे के पूरे पॉइंट को ही हटा दिया गया, इनकी कोई पोइम आपको नहीं पढ़नी है। थर्ड, कुंवर नारायण चैप्टर 3 पेज नंबर 15 पर, इनकी भी बच्चों दो पोइम्स हैं आपके पास, उनमें से जो सेकंड नंबर पोइम है बात सीधी थी पर, इसको हटा दिया गया है। जो पहले नंबर पोइम है वो है, उसको आपको पढ़ना है। तो यहां इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनकी कौन कौन सी पोइम्स हट रही हैं। हालांकि मैं आप लोगों के इनके साथ साथ इनका जो बोर्ड का सर्कुलर है वो भी आपके साथ दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये पोइम्स हट रही हैं। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी पोइम है बादल राग, ये डिलीट कर दी गई है, ये चैप्टर 7 है और पेज नंबर 39 के ऊपर। सूर्यकांत त्रिपाठी की एक ही पोइम थी, उसी को डिलीट कर दिया गया है, इस तरह से ये पूरा ही पॉइंट हट गया है यहां से। नेक्स्ट, उमा शंकर जोशी, इनकी दो पोइम्स, फर्स्ट छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, दोनों ही हटा दी गई है और ये चैप्टर 9 है पेज नंबर 56 पर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये आपके काव्य खंड के अंदर से 5 पॉइंट्स हैं अलग अलग, लेकिन टोटल जो पॉइंट्स हटी हैं वो आपकी 6 पॉइंट्स हट गई। जरा गौर करके देखे, आत्म परिचय 1, पतंग 2, बात सीधी थी पर 3, बादल राग 4, छोटा मेरा खेत 5, बगुलों के पंख 6, इस तरह से 6 पॉइंट्स आपकी हट गई हैं। मैंने देखा कि आपकी बुक के अंदर टोटल जो आपकी पॉइंट्स है, टोटल पॉइंट्स आपकी 15 है, 15 पॉइंट टोटल थी, उनमें से 6 हट गई हैं। अब आपको केवल 9 पॉइंट्स आपको पढ़नी हैं, 15 में से 6 हटा दी गई हैं आप लोगों के लिए। अब आप आइए इसी का आरओ भाग दो का ही गद्य खंड, या ये ध्यान रहे वितान के अंदर से कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके सभी चैप्टर्स आपको उसी तरह से पढ़ने हैं। गद्य खंड के अंदर आइए, विष्णु खरे ये आपके राइटर हैं, इन्होंने स्टोरी दी है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, चैप्टर 15 पेज नंबर 118 हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया इसको, ये नहीं है, अब आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह से नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी स्टोरी है शीरीष के फूल, ये चैप्टर नंबर 17 है पेज नंबर 141, इनको भी हटा दिया गया है। तो अब आप लोगों के पास जो सिलेबस बचा है वो आपको बताता हूं। पोइम्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल 15 पोइम्स है, 15 पोइम्स है, 6 हट गई है, केवल 9 आपको पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है, जो ये जो मैंने लिस्ट दे रखी है आप लोगों को, इनको छोड़कर के जो बच गई केवल आपको वही पढ़नी है। प्रोज जो गद्य है उसके अंदर आपके टोटल चैप्टर्स 9 है, 9 चैप्टर्स है, उनमें से 2 हट गए हैं, ये हट गए, 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का प्लस टू का हिंदी डिलीटेड सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस है। आप लोगों को इस सेशन के लिए 2020-21 के लिए इन चैप्टर्स को छोड़ करके जो सिलेबस बच गया आपको उसी की तैयारी करनी है, यानी कुल मिलाकर के आपका 30% सिलेबस डिलीट हो गया है। स्टूडेंट्स,
आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, हैव ए गुड डे।